फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 लेसन 11. सो लेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर टुडे. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंडिकेट? यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? So these are few questions which we are going to try to answer in this particular video. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually results in some kind of change in the state of motion of an object. To answer these questions, let us first try to understand what is force. When a push or a pull is applied on an object, it is called as force. Whenever we talk about force, it becomes difficult for a child to define it, but to some extent, the child knows what force is. Whenever we ask what is force, children often asked taakat, but what is we are doing with the force? We need to define this particular word to understand types of forces. So whenever we are pushing anything or we are pulling anything, this action is called as a force. So a force is an act of pull or a push. Force. Let us try to understand what force mean. Force is a push or a pull or both. A force cannot be seen, but we can feel and observe the effects of forces. Hame nazar to nahi aata ki force, लेकिन हम जब फोर्स लगाते हैं तो उसका असर नजर आता है. इफेक्ट्स में तो उसके असर. व्हाट इज एक्चुअली फोर्स इज, टू अंडरस्टैंड फोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय पुश एंड पुल. व्हाट इज पुश? आ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, कि हम ताकत लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर रहे हो. पुल, a pull is when we apply a force to move an object towards our body. कि हम ताकत लगाकर, फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हो. Now let's take few examples where the combination of push and pull is together. Playing a guitar. So when you are playing a guitar, you are moving the strings of a guitar. Sometimes you are pushing them, sometimes you are pulling them to create a very good music. Sawing of wood, यानी कि आरी लेकर किसी लकड़ी को काटना. तो जब आप आरी लेकर काटते हैं लकड़ी को, तो कभी आप आरी को आगे की तरफ को करते हो, कभी पीछे की तरफ को करते हो, तो there is a push and pull both involved. One more example, rubbing the floor. आप जब अपने फर्श को साफ कर रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं, तो हम उसकी मूवमेंट कभी पुश की तरफ कभी पुल की तरफ करते रहते हैं, जिससे कि फर्श अच्छे से साफ हो जाए. Rowing a boat, यानी कि जब हम एक नाव को चलाते हैं और चप्पू इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पानी को पीछे पुश किया जाए, तो उस चप्पू से जब हम पानी को पीछे पुश करते हैं तो हमें उस चप्पू को फिर आगे की तरफ को भी लाना होता है,
घुमाकर कि फिर दोबारा हम पानी को पीछे पुश कर सकें। तो जिस चप्पू से हम पानी को पीछे पुश कर रहे हो तो उसकी मूवमेंट बार बार पुल और पुश वाली हो रही होती है। वॉट इज अ फोर्स? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट फोर्स इज अ पुश और अ पुल। सो व्हेन यू आर पुशिंग इट और व्हेन यू आर पुलिंग एनीथिंग इट्स कॉल्ड एज एन एक्ट ऑफ फोर्स। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्स की वजह से क्या क्या असर होगा फोर्स अप्लाई करने से। स्टार्ट और स्टॉप ऑब्जेक्ट मूविंग, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करवाया जा सकता है, और अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो फोर्स अप्लाई करके उसको रोका जा सकता है। टू, चेंज डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स अप्लाई करने से आपने किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दी। जैसे स्पोर्ट्स में तो इसका बहुत एग्जांपल आता है कि अगर आप फुटबॉल को देखो तो फुटबॉल में होता ही ये रहता है कि बार 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 बॉल के डायरेक्शन चेंज होती रहती है, प्लेयर्स कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में उसको हिट करते रहते हैं। शेप का चेंज होना, यू मे हैव सीन कि जब मम्मी आटा गूंथती हैं तो उसकी शेप बार बार चेंज होती रहती है। वो आटा गूनेंगी, फिर उसके गोल गोल पेड़े बनाएंगे, फिर रोल करके उसकी चपाती बनाएंगे। सो ऑल दोस प्रोसेस, शेप इज चेंजिंग। बचपन में आपने भी देखा है कि आप क्ले जब यूज करते हो तो उस क्ले से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हो, और दैट इज अ वेरी एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग द शेप। नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है लेकिन आप उस पर फोर्स अप्लाई करके या तो उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं या उसकी स्पीड को घटा रहे हैं। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, फील्डर ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाया, सिर्फ उसका हाथ लगा, तो क्या होगा? बॉल की स्पीड घट जाती है। और मान लो आप एग्जांपल लो कि कोई आप बाईसाइकिलिंग कर रहे हो तो आपकी साइकिल ऑलरेडी मोशन में है लेकिन पीछे से कोई आपकी साइकिल को थोड़ा सा पुश भी कर देता है, धक्का भी मार देता है, तो साइकिल की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन मोशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और वाइस वर्सा। टू लेट अ फोर्स कम इन टू प्ले, टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑलवेज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू थिंग्स। लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स गिवन इन द पिक्चर वेयर देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट द गोलकीपर इज ट्राइंग टू होल्ड द बॉल सो दैट द ऑपोनेंट टीम कैन नॉट गेट अ गोल। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, द बॉल इज बीइंग स्टॉप्ड, सो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। सो इट वाज हैविंग अ पर्टिकुलर स्पीड एंड नाउ द गोलकीपर हैज कॉट द बॉल एंड नाउ द बॉल विल स्टॉप। द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज अ हॉकी प्लेयर प्लेइंग विद अ स्टिक एंड अ बॉल एंड trying to move the ball towards the goal. So constantly the player will change the direction, player will constantly change the speed of the ball also. Third picture you can see, it's from cricket sports. So the fielder is trying to hold the ball so that it doesn't cross the boundary and the opponent team doesn't get more runs. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, यानी कि उसके लक्षण क्या है। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। सो इन द पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज अ बॉक्स, अ वेरी हैवी बॉक्स। सो व्हेन द बॉक्स इज वेरी हैवी
sometimes one child is not able to move it. So here you can say that the two children are trying to move the box. What is the difference between moving a box by one child or by two child? Because when one child is applying force, he'll apply maximum force on the box. But if the child is unable to move in spite of applying maximum efforts, so he needs some help. So one more child will come. Now both the children will apply force on it. So in these cases, you can see that the both the children is applying force in the same direction. So when they are applying in the same direction, so the force will be added. So that's why the resultant force will be the addition of force applied by both the children. So in this case, because they are applying in the same direction, now force will be more. So as there will be more force, so they both of them will be able to move the box. So what do we understand from this slide? That when force is applied in the same direction, it has to be added. Now let's take an example where force is being applied again by two children but in opposite direction. When two forces are acting in opposite directions, the net resultant force is the difference of these two forces. The force has a magnitude which describes its strength. So magnitude means amount. Ki force kitni taakat ka lagaya ja raha hai. So that's strength. We are trying to magnitude means strength of force, how much strength of force they are applying. Now here you can see that there's a heavy box and there are again two children, but now the condition is different, that they are applying force in opposite direction. This boy is applying force in this direction, whereas this boy is applying force in this direction. So now that their directions are opposite, so in this condition the force will be subtracted because they are applying in opposite direction. So if they are applying equal forces in opposite direction, the box will not at all move. But if one of the boy is stronger than the other boy, so he will be able to apply more force. So whichever boy is going to apply more force in that direction, the box will start moving. So in this case, the resultant force will be the difference of the two forces. कि हमने दोनों के फोर्सेस जितने अमाउंट के होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड जो हमें आंसर आएगा, जिस बॉय ने ज्यादा फोर्स लगाया होगा उसी डायरेक्शन में बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द सेम टू सिचुएशन ऑन वन स्लाइड. इन द अबव केस यू कैन सी दैट both the teams are applying equal force. How do we come to know that they are applying equal force? Because this team is applying 100 newtons of force. So newton is the unit of force. So here we have measured the force. So this is the magnitude. Kitni taakat se wo force laga rahe hain. Their strength is, magnitude of the force over here is 300 newtons. Now this team also 300 newtons. So none of the team is going to win. This is a tug of war if both the teams are applying equal force, because they are applying in opposite direction. So that's why we'll have to subtract it. So 300 minus 300, answer is 0. So in both the teams will be at neutral. None of the team is going to win. So now let's take one more example. So here you can see that this team is applying a force of 400 newtons, whereas this team is applying a force of 300 newton. So what will be the difference? Difference will be 100 newtons. Who is applying the force more? This team. So who is going to win? This team. So this is when equal force is there, we call it as a balanced force. So when there is not a balanced force, so this is an example of imbalanced force. This is an example of balanced force. Balanced force, when force is applied in opposite direction but in equal magnitude. Imbalanced force,
when there is force applied in opposite direction but not equal. Force always has a direction in which it is applied and a measure of its strength or the magnitude. Force always have a direction, यानी कि force जब भी हम apply करेंगे तो ये पता होता है कि किस direction में apply किया जा रहा है. Second thing, force can also be measured. So the unit of force is Newton. So उसकी strength और उसकी magnitude. Magnitude is a difficult word, so that's why strength is written so that you can understand कि कितनी ताकत का force लगाया जा रहा है. So that's why force is called as a vector quantity because it has direction as well as magnitude. The effect of force may alter when the direction of magnitude of the force changes. कि force का असर change हो जाता है when direction of the magnitude of the force changes. कि जब फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है वो चेंज हो या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो. क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि अगर सेम डायरेक्शन में ही फोर्सेस लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, तीन लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब ऐड होंगे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो वो सबट्रैक्ट होते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फोर्स का असर क्या हो रहा है ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये पता हो कि किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है और कितनी ताकत का, कितनी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है. द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय इवैल्यूएटिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. कि ये जानने के लिए कि फोर्स का असर होगा ये जरूर, उसके लिए हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हमने पहले भी पढ़ा कि हमने ये देखना है कि कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है और किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट. इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो. कि अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है इक्वल अमाउंट में हो रहा है लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो नेट फोर्स बिल्कुल जीरो होगा क्योंकि वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, साइज एंड शेप. फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि उसका उसका साइज और उसकी शेप में चेंज आ सकता है क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे कितने मैग्नीट्यूड का लगा रहे हैं, किस चीज पे लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चेंजेस ऑब्जेक्ट में आएंगे. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. स्ट्रेच अ रबर बैंड, यू कैन सी इन दिस रबर बैंड इज बीइंग स्ट्रेच्ड एंड देन आफ्टर स्ट्रेचिंग यू स्टॉप stretching that rubber band. After that, what is going to happen? The rubber band will again regain its shape because it has a elasticity. So in this case, what has actually happened? The shape has changed. So this is an example of change of shape by applying force on rubber band. Second example, press a sponge, it changes its shape. And when you don't apply force on it, it again regains its shape. So this is a second example of change of shape by applying force. Third example, squeeze a spring. It changes its shape. When you don't apply a force on it, again it comes back to its own shape. So these are three examples showing you that by applying force on an object, the shape changes. Thank you and have a nice day.